नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे SSC MTS के मोस्ट एक्सपेक्टेड GK के क्वेश्चंस जो आगामी पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप खुद यहाँ पे अगर देखोगे अभी तो आपको पता चलेगा कि एहसास हो जाएगा कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो वो थी श्रीमाओ भंडार नाइके। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये है कांस्य युग से संबंधित। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो ये चलाया था अकबर ने। नेक्स्ट, उगते और डूबते समय सूर्य का लाल रंग प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों आपको बता दूं, जो रेड कलर है उसका जो डिफ्रैक्शन यानी प्रकीर्णन है वो काफ़ी कम होता है, सबसे कम होता है, जिससे कि ये काफ़ी दूरी तक पहुंच जाता है बिना डिफ्रैक्शन हुए। इसलिए इसका मतलब कि सूर्य जो है उसका लाल रंग दिखाई देता है हमें, बाकी के सारे जो रंग है वो क्या हो जाते हैं, डिफ्रैक्शन हो जाते हैं, प्रकीर्णन हो जाते हैं और हम तक नहीं पहुँच पाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट है, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज का यहाँ पे किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी दोस्तों। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पाश्चर ने की थी। अगर बात करें तो दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है उसके कारण दूध से दही बनता है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रासरव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और जो सर्वे तरंगें होती है उसकी कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। अगर बात करें हाइड्रोजन बम की तो वो करता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की इकाई तो वो है एम्पियर। नेक्स्ट, अगर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम खनिज जो है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में बहुत लाभकारी है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो वो होती है सिनकोना से। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो वो है रेपलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी अगर बात करें तो वो है शुतुरमुर्ग। अगर बात करें संसार में सबसे छोटा पक्षी तो वो है हमिंग बर्ड। अगर बात करें नेक्स्ट, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो वो है कुत्ता। और बात करें नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है काला। अगर ATM की फुल फॉर्म की बात करें तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। नेक्स्ट, अगर बात करें संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति इसका आंसर होएगा। और बात करें LBW किससे संबंधित है? तो ये तो फेमस है, क्रिकेट से संबंधित टर्म है। अगर बात करें नेक्स्ट, तो वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली जो UV रेज है, अल्ट्रावायलेट किरणें, उनसे बचाती है? तो वो है ओजोन परत। नेक्स्ट, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो वो है अजमेर में। नेक्स्ट, यहाँ पे सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म धारण किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म धारण किया था। नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व यानी कि IRB जो है वो केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट, सालारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। बात करें भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, तो वो थे ज्योति बासु जो है वो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये पश्चिमी बंगाल से। नेक्स्ट, यहाँ पे संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है। हाल ही में कल के पेपर में पूछा गया है MTS के में, कुछ दोस्त यहाँ पे बता रहे थे अमेजन है, तो दोस्तों अमेजन नहीं होगा, संसार की सबसे बड़ी नदी नील ही होगी। नेक्स्ट, यहाँ पे किस तापमान पर सेल्सियस और फेरेनहाइट तापमान बराबर रहते हैं? तो ये -40 डिग्री पर सेल्सियस और फेरेनहाइट दोनों बराबर रहते हैं। नेक्स्ट है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की मिश्र धातु क्या है? कांसा है। नेक्स्ट है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये है क्रिकेट से। अगर बात करें नेक्स्ट, तो LPG का फुल फॉर्म यहाँ पे देखें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है इसका फुल फॉर्म।
नेक्स्ट, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी गीता रहस्य पुस्तक। और बात करें नेक्स्ट, तो राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है दोस्तों। नेक्स्ट, यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 4 वर्ष का होता है अमेरिका में। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या। नेक्स्ट, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो ये आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1951 में हुआ था। SSC CGL में पूछा गया ये अभी। नेक्स्ट, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट, सन 1907 में शुरू किया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किससे दिया गया था? तो ये दिया गया था रूडयार किपलिंग को। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये भारत आया था। इससे रिलेटेड अभी पूछा गया क्वेश्चन इब्न बतूता से रिलेटेड, फर्स्ट जो फर्स्ट डे पेपर हुआ था उसमें। नेक्स्ट, यहाँ पे है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो जो भीमराव अंबेडकर है वो पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास थे इसके लेखक। और नेक्स्ट, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। नेक्स्ट, यहाँ पे ओडिशा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये ओडिशा का है दोस्तों। और यहाँ पे ये कंप्लीट क्वेश्चंस आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। तो जल्दी ही मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपके लिए लेके आने वाला हूँ दोस्तों, तो बस जुड़े रहिए मेरे से। और हाँ, आगे की सारी नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।